आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी की वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो में मैं आपको स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य दीदियाँ होती हैं उन सभी के क्या कार्य होते हैं और क्या उनके उत्तरदायित्व होते हैं इसके बारे में बात करूँगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहले मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह में जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदियाँ बनती हैं उन तीनों को छोड़कर बाकी और भी दीदियाँ होती हैं जो समूह की सदस्य होती हैं। सदस्य तो सभी होते हैं पर पद के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी लोग सदस्य कहलाते हैं। तो उन सदस्य दीदियों के क्या कार्य और उत्तरदायित्व होते हैं? तीन दीदियाँ जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनती हैं उनमें से मैं अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व की वीडियो अलग अलग बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चैनल पर जाइए और उन वीडियो को भी देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही तरह से प्राप्त हो सके। अपनी इस वीडियो में मैं आपको समूह जो है उसकी सदस्य दीदियाँ जो होती हैं उनके कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में बताऊँगी ताकि समूह की बाकी दीदियाँ भी ये जानें कि उनका समूह के लिए क्या कार्य है और क्या उनका उत्तरदायित्व है, क्या उनकी जिम्मेदारी है एक समूह के लिए। वो समूह में जुड़ती हैं। अक्सर देखा गया है कि दीदियाँ समूह में ये कह देती हैं कि अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी बनी है पदाधिकारी तो वह जाने, और वो अपनी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं समझती। तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझना आवश्यक है क्योंकि समूह में सभी जब सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे तभी समूह आपका कामयाब होगा। तो क्या होता है कि समूह में जो बाकी सदस्य दीदियां होती हैं वो केवल ये समझती हैं कि हम समूह में इसलिए जुड़े हैं कि हमारे लिए जो फंड का पैसा आएगा वो हम ले लेंगे और बस उससे कुछ काम करा लेंगे बस। तो चलिए बात कर लेते हैं इस अपने वीडियो में कि हमारी सभी सदस्य दीदियों के क्या कार्य और जिम्मेदारियां यानी कि उत्तरदायित्व हैं। तो सबसे पहले नंबर एक पे बात करेंगे, सभी सदस्य समूह में एकता और सहयोग की भावना रखेंगे। जितने भी सदस्य आपके समूह में हैं वो सभी सहयोग और एकता की भावना रखेंगे। और नंबर दो पे है कि सभी सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे। जितने भी सदस्य आपके समूह में हैं वो सभी एक दूसरे को अवसर देंगे और सबको प्रोत्साहित करेंगे, यानी कोई भी ये नहीं कहेगा कि इनका काम बन गया और हमारा नहीं बना या इन्होंने ये काम गलत किया। भाई काम अगर सही है तो आप उसका उत्साह बढ़ाएंगे। नंबर तीन, दीदियाँ सभी लोग ये देखेंगी कि सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से मोबालाइज उपयोग एवं प्रबंधन करेंगे, यानी हमारे समूह को अच्छी तरह से चलाने के लिए हमारे पास किन साधनों की कमी है और कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें हमको अपने समूह के लिए खरीदनी चाहिए जिससे कि हमारा समूह आगे विकास करे। और आज के समय में बिना मोबाइल के कोई काम संभव नहीं है तो समूह के लिए सबसे पहले एक मोबाइल की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सभी सदस्य इस पर विचार करेंगे और प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद नंबर चार है, सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों से ऋण वसूल करने हेतु सामूहिक कार्रवाई करेंगे। सभी दीदियां ऐसी दीदी को घर पे जाके उनसे कहेंगी जिन्होंने ऋण लिया और वापस नहीं कर रही हैं, तो सभी लोग मिलकर पूरा ग्रुप उनके घर जाएंगे और उनसे पैसे की मांग करेंगे। नंबर पाँच, सभी सदस्य विकास संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और सेवा की भावना के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि अगर आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और समूह में सेवा की भावना नहीं रखेंगे तो बताइए कैसे समूह का विकास होगा।
नंबर 6 की बात कर लें तो सभी सदस्य योजना क्रियान्वयन, अनुसरण और विकास संबंधी कार्यों के मूल्यांकन में भाग लेंगे, मूल्यांकन संबंधी तथ्यों पर उचित कार्रवाई करेंगे। नंबर 7, सभी सदस्य गांव एवं समूह की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो हमें हमारे समूह में क्या करना है, एकता अखंडता यानी कि हमारा समूह टूटने ना पाए इसका ध्यान भी रखना है और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहना है, योजनाओं का क्रियान्वयन करना है और हमें सभी समूह के सदस्यों की बातें सुनना है और विकास के जितने भी पहलू हैं उन पर विचार करना है, आगे उनके लिए रूपरेखा बनाकर विकास पथ पर आगे बढ़ना है और जो भी काम हम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन भी करते रहना है। नंबर 7, सभी सदस्य गांव एवं समूह की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो अखंडता और समूह की एकता आपको बनाए रखनी है। नंबर 8 की बात कर ले तो सभी सदस्य समूह द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे। अक्षरशः का मतलब एक एक अक्षर जो लिखा गया है समूह के नियम में उसका पालन करना है आपको, और समूह के नियम आपको पता है पंचसूत्र का पालन करना है और बाकी जितने भी मैंने वीडियो में बताया है सबके कार्य और उत्तरदायित्व, सब चीज़ों का आपको पालन जरूर करना है। नंबर 10 की बात कर लें तो समूह के जितने सदस्य हैं सभी सदस्य दीदी सदस्यों को ही पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमारा समूह बनता है तो हमें 3 दीदियों का चुनाव करना होता है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तो चूंकि खाता जो समूह का खुलता है बैंक में तो वहाँ पे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी जो पढ़ी लिखी होती है उन्हीं का नाम से खाता खुलता है। यदि आप लोग बाद में झगड़ा करें और वहाँ पे उनको हटाना हो तो काफ़ी दिक्कत और समस्या होती है, क्योंकि एक बार जो मैनेजर सुन लेता है तो बार बार मैनेजर सुनता है और बार बार जो है दीदियों को बदलने से ये लगता है कि आपके समूह में एकता नहीं है और समूह आपका कमजोर दिखाई पड़ेगा। ऐसे में आप समूह बनाते समय ही सभी सदस्य मिलकर ये तय कर लीजिए कि आपको किस दीदी को अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनाना है, ताकि एक ही बारी में तय हो जाए और अच्छे से समूह आपका चल सके। तो सभी लोग सहमति बना के सदस्य ही पदाधिकारियों को, तीनों दीदियों को चुनते हैं। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि समूह के जितने सदस्य होते हैं उनके क्या कार्य और उत्तरदायित्व होते हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने कार्य और उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाइए ताकि आपका समूह बहुत अच्छे से ग्रो करे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम समूह में सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं जुड़े हैं, बल्कि हम अपने गाँव, अपने परिवार और अपने समाज का विकास और उन्नति करने के लिए जुड़े हैं, ताकि हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी दशाओं से हमारी स्थिति में सुधार आए और हमारा जीवन वो अच्छे से अच्छा बन सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।